बहुत बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, बहुत बुरे दिन देखे हैं। सलमान खान इवेंट किया, उसके लिए मुझे पता है कि मुझे जब इवेंट कर लिया गया तो पूरे मुझे पेमेंट भी नहीं मिला, मुझे पेमेंट के लिए कितना रोना पड़ा था मैं जानता हूँ। और उस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, मेरे पास पैसे थे ही नहीं। ये जो हिना खान और सनी लियोनी का इवेंट हुआ था, उसके यूट्यूब पार्टनर थे वो भी, उसके लिए मुझे कितना मतलब स्ट्रगल करनी पड़ी, वो दिन मुझे याद आते हैं। मैंने इसलिए वो काम छोड़ दिया क्योंकि वो इतना आसान नहीं है, लोग पेमेंट ही नहीं देते, पेमेंट नहीं देते। और मतलब वो मेरे सबसे बुरे दिनों में से एक था, जिस मैंने ए स्क्वायर चैनल चलाया था, बहुत बुरे दिन थे वो। मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ मैंने क्या क्या देखा। मतलब लोग लोग काम करवा लेते थे, पैसे नहीं देते थे, ऐसे दिन भी देखे हैं। वो बहुत पुरानी बात है, वो पुरानी बात मतलब आप मानो कि 7 साल पहले, 7-8 साल पहले, तो मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो पहला चैनल था वो ये भी नहीं था, वो ए स्क्वायर था। तो जो सबसे पहला चैनल था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बहुत स्ट्रगल किए मैंने, ऐसे नहीं पहुंच गया हूँ यहाँ तक। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जर्नी दिखने को आसान लगती है लेकिन है नहीं, है ना। पर जो मेहनत करेगा डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा। गिर पड़कर इंसान हर कोई कामयाब हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप हिम्मत ना हारोगे तो पहुंच जाओगे, और हिम्मत हार जाओगे तब छोड़ दोगे। जैसे मुझे फाइनली मुझे समझ में आया था, जो इस बार मैंने चैनल चलाया था उसमें मतलब देखा जाए तो ना, लोग काम करवा के जो पैसे नहीं दे रहे थे तो बड़ा दुख होता था, तो ऐसा लगता था मैं क्या कर रहा हूँ। और कई लोग तो पूरे दिन काम करवा के लास्ट में भी पैसे आधे देते थे, तो मुझे लगता था कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो मैंने छोड़ दिया, मैं रिव्यू करता था, रिव्यू से भी कुछ आउटपुट नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया फाइनली। उसमें ऑलमोस्ट कोई 40-45 हज़ार सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन काफी पुराना चैनल है वो, मैंने ये काम भी किया हुआ है, ठीक है।